नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की चुनावी रेस में शामिल होने की उम्मीद लगभग समाप्त होती दिख रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही थी, गुप्तेश्वर पांडे बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बक्सर विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के बाद भाजपा के खाते में चला गया और भाजपा ने बक्सर विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बक्सर सीट से भाजपा के परशुराम चतुर्वेदी उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हाल ही भारतीय पुलिस सेवा से वीआरएस लेने के बाद जदयू में शामिल हो गए थे। हालांकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि बक्सर सीट भाजपा के खाते में जाने के बाद गुप्तेश्वर पांडे भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पर न तो भाजपा की तरफ से और न ही गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव में जदयू की तरफ से उतरने की चर्चा थी। आपको बता दें कि बैजनाथ महतो के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। बताते चले कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इससे पहले भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए एक बार रिटायरमेंट लिए थे, लेकिन बात नहीं बनी और कुछ दिनों के बाद ही वो दोबारा पुलिस सेवा में बहाल हो गए। अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या गुप्तेश्वर पांडे इस बार भी चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने अपने शुभचिंतकों के लिए फेसबुक पेज पर एक संदेश लिखा है। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और वो जीवन भर बिहार के जनता की सेवा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इससे निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।